हवाई जहाज में सफर करते समय अक्सर लोगों के मन में डर लगा ही रहता है। उनके मन में विमान को लेकर भी कई सवाल आते हैं। कई पैसेंजर तो ये तक सोच लेते हैं कि उड़ते हुए विमान में अगर पायलट को नींद आ जाए तो क्या होगा। तो आइए इस छोटे से वीडियो में विमान के प्रोटोकॉल के बारे में आपको कुछ बताते हैं। लॉन्ग हॉल फ्लाइट में जब फ्लाइट लंबी दूरी की होती है और पायलट को सोना होता है, उस समय ऑटो पायलट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटो पायलट में इंस्ट्रूमेंट हवाई जहाज को उड़ाते हैं और इंस्ट्रूमेंट इंसानी पायलट की अपेक्षा कई गुना ज्यादा सेफली हवाई जहाज को फ्लाई करा सकते हैं, इसे कहा जा सकता है। क्योंकि इंसानी पायलट से गलती होने के चांसेस होते हैं, ह्यूमन एरर के चांसेस हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट से गलती नहीं होते। उनको अगर इनपुट सही दिया गया है तो काफी सेफली हवाई जहाज को फ्लाई करा सकते हैं और ऑटो पायलट में इंस्ट्रूमेंट हवाई जहाज को फ्लाई कराते हैं। फिर भी अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो नजदीकी एयरपोर्ट पर पायलट इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है और इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए पायलट को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। पायलट हर स्थिति को संभालने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह के और एविएशन से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड एंड कीप वाचिंग एविएशन टुडे। थैंक यू।